हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों मैं ऑलमोस्ट तीन महीने से बीजिंग में, चाइना की राजधानी बीजिंग में लॉकडाउन हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बनाता हूँ और वीडियो के थ्रू आपको बताता हूँ कि यहाँ काफ़ी चीज़ें अभी लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने लगा है, तो मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बताऊँगा और उसके साथ साथ मैं अपनी हॉस्टल को भी आपको अंदर से बताने वाला हूँ और साथ ही साथ ये हॉस्टल के चारों तरफ जैसा भी इन्वायरमेंट है। फिलहाल बीजिंग में लॉकडाउन खुलने लगा है धीरे धीरे, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट को भी बाहर नहीं जाने दे रहे हैं और चाइनीज़ के जो लोकल लोग हैं यहाँ के, वो धीरे धीरे बाहर जाने लगे हैं और उनका लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने लगा है। ये है हमारी हॉस्टल। मैंने फेसबुक लाइव में आया था एक दिन, तो मैंने अपनी हॉस्टल को बताया था। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि क्यों ना आप भैया अपनी हॉस्टल को अंदर से बताएं। और ये हॉस्टल का लुक एकदम होटल है और ये 2010 से पहले होटल ही थी। बीजिंग के अंदर एक 2008 में ओलंपिक हुआ था, तो 2008 में ओलंपिक के लिए ये उन प्लेयर्स के लिए बनाई गई थी होटल, 5-स्टार होटल थी ये। तो फिर इस होटल को 2010 में हमारी कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा खरीद लिया गया और इसको अभी इंटरनेशनल स्कूल यानी इंटरनेशनल हॉस्टल बना दिया गया है। तो यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट रहते हैं और मैं आपको इस हॉस्टल के अंदर की सारी चीज़ें दिखाऊंगा। क्लासरूम से भी हैं, इसके अंदर ऑफिस भी हैं और टॉप फ्लोर पे भी जाके दिखाऊंगा मैं आपको, और इसके आसपास का जो नज़रिया है कैसा दिखता है वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो चलिए, और ये है हमारे हॉस्टल का बैक साइड। ये छोटा सा गार्डन है हॉस्टल के पीछे और ये है -2 के लिए एंट्री। किसी जमाने में ये कैफेटेरिया था और फिलहाल आई डोंट नो बंद पड़ा है, तो लाइटिंग वाइटिंग नहीं है। किसी जमाने में यहाँ बहुत ज़्यादा लाइटिंग होती थी, स्टूडेंट यहाँ पढ़ाई करते थे, बैठते थे, और अभी बंद पड़ा है। ये कैफीन कैफे, ये हमारे हॉस्टल का कैफेटेरिया था, तो जहाँ सारी कॉफ़ी, केक वगैरह खाने की चीज़ें मिला करती थी। अब मैं ले चलता हूँ आपको फर्स्ट फ्लोर से 12th फ्लोर पे, फिर 12th फ्लोर पे जाके मैं आपको ओवरऑल व्यू बताऊँगा हमारे हॉस्टल के चारों तरफ का। ये लिफ्ट है, तो लिफ्ट से हम चले गए अंदर और ये प्रेस कर दिया हमने 12th। तो ये लिफ्ट है, लिफ्ट 12th फ्लोर तक ले जाएगी। तो अभी हम पहुंच गए हैं 12th फ्लोर। तो 12th फ्लोर पे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ अंधेरा पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ अभी कोई शायद नहीं रह रहा होगा क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो मैं आपको अच्छा पहले वहाँ से दिखाता हूँ क्योंकि वहाँ से भी अच्छा व्यू आता है। और आप देख रहे होंगे कि हॉस्टल के अंदर ये नीचे कारपेट लगा हुआ है और ये सारे आसपास के रूम्स हैं और ये रूम्स हैं। फिलहाल इन रूम्स में सब लोग हैं क्योंकि स्टूडेंट चले गए हैं लॉकडाउन की वजह से अपने अपने घर, तो हॉस्टल पूरा खाली पड़ा है और यहाँ मुश्किल से 10 से 15 स्टूडेंट हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। तो आप अंदर की चीज़ें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना लग्जरी हॉस्टल है ये। मुझे लगता कि इंडिया की किसी कैपिटल किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा होगा। तो ये है बाहर का व्यू, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है बीजिंग। तो ये
ये व्यू फर्स्ट फ्लोर पे नहीं दिखा सकता था मैं आपको। और इसके साथ साथ आप ये देख रहे होंगे कि लॉकडाउन खुल गया है, बीजिंग में कितनी गाड़ियां निकल रही हैं, देखो रोडों पे। आज से 3 महीने पहले ये हालत थी बीजिंग की कि सड़कों पे कोई कार, कोई बाइसाइकिल, कोई कोई कुछ नहीं दिखता था। सूनी पड़ी थी सड़कें, और आज देखो यहाँ सब कुछ आई थिंक नॉर्मल हो गया। लेकिन हम इंटरनेशनल स्टूडेंटों को अभी नहीं निकलने दे रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट बाहर निकलेंगे कुछ हो ना जाए, तो इसलिए हम लोगों को भी निकलने ही निकलने दे रहे हैं ये लोग। तो हम आ गए अभी सेकंड फ्लोर पे, और हम सेकंड फ्लोर पे अभी आपको बताएंगे, यहाँ हमारी टीचर्स वगैरह की ऑफिस है, और उसके साथ साथ यहाँ हमारी जो इंश्योरेंस फी वगैरह डिपॉजिट होती है वो ऑफिस भी है, और यहाँ कुछ क्लासरूम्स भी हैं और लैब वगैरह भी हैं। मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, तो इस वजह से यहाँ स्टूडेंट के लिए टेबल टेनिस वो रख दिया खेलने के लिए, और ये कंप्यूटर लैब है। यहाँ कभी फर्स्ट ईयर में हमारी कंप्यूटर लैब हुआ करती थी, और ये 2016 बैच ने कुछ किया है, उसकी एक्टिविटीज़ वगैरह की पोस्टर वगैरह हैं। और ये 2015 बैच, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के जहाँ जाके स्टूडेंट हैं, बांग्लादेश हैं, ये इंडिया के स्टूडेंट भी हैं, इंडोनेशिया के हैं, लीबिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, कोरिया, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, तो जेमिया, और डिफरेंट डिफरेंट जितने कंट्रियों के क्लासरूम्स में स्टूडेंट हैं वो सारे कंट्रियों के फ्लैग वगैरह लगे हुए हैं, उनके पिक्चर्स वगैरह लगे हुए हैं आपको यहाँ, और ये पूरा ग्रुप पिक्चर्स है उन स्टूडेंट का। और इसके साथ साथ ये है हमारे बैच का 2040 बैच, ये हमारा पूरा बैच है, और इस फ्रेम में आप देख सकते हैं 2040 बैच MBBS। तो इस बैच में मैं भी हूँ, और हमारे बैच के डिफरेंट एक्टिविटीज़ के पिक्चर्स वगैरह हैं, और उसके साथ साथ ये कंट्रीज़ के नेम भी हैं जिन कंट्रियों से स्टूडेंट हैं, मोरक्को, इराक, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, कनाडा, फ्रांस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, रवांडा, साउथ अफ्रीका, जीमिया, तंजानिया, न्यूजीलैंड। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के जितने भी स्टूडेंट हैं तो उनके कंट्री के नेम लगे हुए हैं यहाँ, और ये पिक्चर्स लगी हुई हैं जो सिक्स ईयर ड्यूरेशन के दौरान जो स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट जगह गए घूमने। तो यहाँ मुझे देख सकते हो आप, ये मैं खड़ा हूँ, ये रहा। तो एक फेस्टिवल में हम गए थे, काइट फेस्टिवल था, तो ये आप मुझे देख रहे हैं, ये मैं खड़ा हूँ, ये तो पिक्चर्स लगी हुई हैं। और ये है स्टाफ एक्टिविटी रूम है, और इसके साथ साथ ये है स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस है। तो जितने भी जैसे पर्सनल टीचर होते हैं हर बैच के, तो वो इधर ही हैं। तो ये सारा था सेकंड फ्लोर का। और हेलो दोस्तों, तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर की हैं, हमारे हॉस्टल से जो आसपास का एरिया कैसे दिखता है, हमारे हॉस्टल के क्लासरूम्स मैंने आपको दिखाए, हमारे हॉस्टल का मेस, और हमारे हॉस्टल का मैंने कैफेटेरिया आपको दिखाया, 12th फ्लोर का मैंने चीज़ें दिखाई आपको मैं, और सेकंड फ्लोर पे मैंने अभी आपको बताया कि कैसे कैसे यहाँ ऑफिस वगैरह हैं, एक्टिविटीज़ की लैब वगैरह भी हैं, और यहाँ डिफरेंट डिफरेंट बैच के पोस्टर्स लगे हुए हैं। अभी रह गया है एक चीज़, रूम रूम के अंदर भी दिखाता हूँ मैं कितनी लग्जरी सुविधाएं दे रखी हैं लोगों ने, क्योंकि ये हॉस्टल पहले होटल था, तो सारी सुविधाएं होटल जैसी हैं यहाँ। तो मैं आपको रूम के अंदर जाके भी मैं दिखाऊंगा आपको। ये पिक्चर्स देख रहे हो आप, ये मास्टर स्टूडेंटों की हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट जो जितने भी डिपार्टमेंट वगैरह थे तो उनकी पिक्चर्स हैं। और ये हमारे सेकंड फ्लोर से व्यू है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले, ये हमारा मेन गेट है,
और ये दो वॉचमैन बैठे हुए हैं, और ये एटीएम है हमारे हॉस्टल के अंदर ही, और ये सोफा लगे हुए हैं, यहाँ आराम से स्टूडेंट बैठ सकते हैं, अपने बातचीत कर सकते हैं। और ये हमारा जो हॉस्टल का रिसेप्शन है, ये रिसेप्शन एरिया है, तो बहुत खूबसूरत बनाया है इन लोगों ने। और एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, और ये पिक्चर्स लगी हुई हैं, जितने भी बैच हमारे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए हैं, 2007 बैच, 2008 बैच, 9, 10, 11, 12, सारे बैच जितने भी ग्रेजुएट हो गए हैं उनके पिक्चर्स लगे हुए हैं। और इधर चाइनीज और इंग्लिश में यहाँ के जो डीन हैं उनके भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये पिक्चर्स हैं, ये बहुत स्पेशल पिक्चर है, क्योंकि यहाँ ये एक पिक्चर्स चाइना से पूरे जितना भी वर्ल्ड जितनी वर्ल्ड की कंट्रियाँ हैं जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं, तो चाइना से बीजिंग चाइना बीजिंग से सबको कनेक्ट किया गया है। आप देख सकते हैं चाइना बीजिंग से सारी कंट्रियों को कनेक्ट किया हुआ है, मंगोलिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इजिप्ट, ग्रीस, फ्रेंच, डेनमार्क, ब्रिटेन, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, साउथ अफ्रीका, केन्या, इंडिया, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री को कनेक्ट किया हुआ है। देखो इंडिया को ताजमहल, तो चाइना बीजिंग से कनेक्ट किया हुआ है, तो सारी कंट्रियों को यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स है, तो इसलिए मैंने कहा इसको मैं ऐड करता हूँ और इस वीडियो में, वी आर द वर्ल्ड।哎。师傅。什么意思？तो अभी हम आपको बताएंगे हमारे हॉस्टल का जो रूम होते हैं, रूम अंदर से कैसे होते हैं। तो ये है कार्ड, कार्ड लगाया तो ये रूम खुल गया, लाइट ऑन है। जिसका रूम है यहाँ उसका नाम और उसका नंबर लिखा हुआ है, फोन नंबर। और ये है हम, तो ये है हमारे रूम की टॉयलेट। और टॉयलेट का सबसे अच्छा पार्ट क्या है कि मिरर बहुत अच्छा है, लाइट टॉयलेट के अंदर लाइटिंग बहुत अच्छी है। तो ये है टॉयलेट, और टॉयलेट, और ये है कपड़े रखने के लिए किबाड़, और एक छोटा सा किबाड़ नीचे है, सामान रख सकते हैं, इसमें भी मिरर है। और ये टू शेयर रूम है, तो दो बेड हैं इसमें, दो अलमीरा है, दो टेबल्स हैं, दो चेयर है, आप देख सकते हैं, और टू शेयरिंग रूम है। और ये कर्टन, ये बाहर का व्यू है। ये बाहर का व्यू है, मैंने आपको 12th फ्लोर से भी दिखाया था। तो ये हमारे रूम से यहाँ का व्यू है, तो ये है पूरा रूम। और ये है एयर कंडीशनर, गर्मियों में यहाँ से ठंडी हवा आती है, रूम एकदम ठंडा रहता है, और सर्दियों में यहाँ से गर्म, एकदम रूम को गर्म कर देते हैं, गर्म हवा आती है। तो एज ए डक्टिंग सिस्टम है ये, और ये यहाँ से कंट्रोल होता है पूरा। तो ये था ओवरऑल रूम का, तो आई थिंक आप लोगों को ये रूम बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, यहाँ का जो सर्विस है यहाँ की बहुत अच्छी है।